वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ ब्राइडल लहंगा। ये लहंगा मैंने मीशो पे से ऑर्डर किया है और ये ब्राइडल लहंगा है, हैवी लहंगा है बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। मैंने पहले भी एक मीशो लहंगा हॉल बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक लहंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो है ब्राइडल लहंगा, क्योंकि और भी लहंगे मैंने ऑर्डर किए हैं वो ब्राइडल लहंगे नहीं है बट वो भी हैवी लहंगे हैं, वेलवेट लहंगे हैं। वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, वो ऑर्डर जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही मुझे रिसीव होंगे मैं तुरंत आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है वो रेड कलर का ब्राइडल लहंगा। लहंगा काफी हैवी है, ब्राइडल लहंगा है इसलिए काफी हैवी है, रेड कलर में है और वेलवेट लहंगा है। पहले मैं इसका लहंगा दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी चोली और दुपट्टा आपको दिखाऊंगी। तो लहंगा हमारा कुछ इस तरीके का है, काफी हैवी वर्क है लहंगे पे, एम्ब्रॉयडरी वर्क है कुछ इस तरीके से। ये पूरा लहंगा है और इस तरीके का लहंगे पर वर्क है। पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, कुंदन वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है और थ्रेड वर्क है, जरी वर्क है, काफी हैवी वर्क है लहंगे पर। आप देख सकते हो ये थोड़ी बूटी बनी हुई है यहाँ पर और कुंदन वर्क के साथ काफी बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। पूरा लहंगा कुछ इस तरीके से है, काफी हैवी है तो ये पूरा इस तरीके से है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगी बट ये इतना हैवी है, इस तरीके से है ये। नीचे से पिंक और रेड कलर में, गोल्डन कलर में है ये लहंगा, पिंक कलर से इसमें नीचे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है। पूरे लहंगे पर पिंक में, रेड में, लाइट पिंक में और रेड में एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन में है। और ये वेलवेट लहंगा है और इस तरीके से ये जो मैंने लहंगा लिया है ये सेमी स्टिच्ड है। सेमी स्टिच्ड में आपको लहंगा इस तरीके से सिलकर मिलता है, साइड से आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करनी होगी। और इस तरीके से है पूरे लहंगे पर ये वर्क, इस तरीके से पूरे लहंगे पर वर्क है। और नीचे से ये काफी हैवी लहंगा है तो मैं भी इसको पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से पूरा वर्क है, अगर आप देख पा रहे हो। कोशिश मैंने की है कि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखा पाऊं। इस तरीके से है ये लहंगा, ये इसके ऊपर वर्क है और पूरे लहंगे पर इस तरीके से वर्क है और नीचे से इस तरीके से वर्क है। इस पर बहुत हैवी वर्क है, फुल वर्क है लहंगे पर और काफी हैवी है। इस तरीके से कुछ पूरा लहंगा नीचे से ये इस तरीके से है पूरा लहंगा और इस तरीके का वर्क है इस पर। और ये है पूरे लहंगे का लुक, इस तरीके का वर्क है लहंगे पर, कुंदन वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है इस पर और इसमें नीचे लाइनिंग भी मिलती है, केन केन भी मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से है पूरा लहंगा और इसकी लेंथ 42 इंच इसकी लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई भी 42 इंच है। ऊपर से जो यहाँ से आपकी बेल्ट आएगी वो भी 42 इंच है। ये सेमी स्टिच्ड है, इसमें अनस्टिच भी है और फ्री साइज भी है। तो ये जो है ये सेमी स्टिच है जिसमें कि आपको लहंगा इस तरीके से तैयार हुआ मिलता है और लहंगे का ब्लाउज का कपड़ा इसमें मिलता है, वो आपको रेडी होकर नहीं मिलेगा, इसमें आपको लहंगा रेडी होकर मिलता है। तो ये 42 इंच है इसकी बेल्ट और इसकी लेंथ भी 42 इंच है, वेलवेट में है ये लहंगा और इस तरीके से इसमें लाइनिंग मिल जाती है अंदर की साइड से। पूरे लहंगे में इस तरीके से लाइनिंग है और नीचे से इस तरीके से ये केन केन ये पूरे में नहीं लगी है, केन केन ये नीचे की साइड, जो नीचे की साइड ही लगी है इस तरीके से केन केन लगी है। पूरे लहंगे में नीचे की साइड केन केन मिल जाती है, यहाँ से ये इतने पार्ट में आपको केन केन मिलती है जो उन्होंने इस तरीके से लगाई है। इस तरीके से केन केन है पूरे लहंगे में नीचे की साइड इतनी, और ये पूरे लहंगे में इस तरीके से मिल जाती है। ये अभी पीछे जा रहा है, ये इस तरीके से पूरे लहंगे में ये केन केन मिलती है इस तरीके से। ये देखिए पूरे लहंगे में नीचे केन केन है और रेड कलर में ही लाइनिंग है, इस तरीके से लाइनिंग है लहंगे में और
ये पूरा पीछे से अंदर से कुछ इस तरीके से है, पूरा लहंगा अंदर से इस तरीके से है, और साइड से आपको, इधर साइड से आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करानी होगी। बस लहंगे में आपको इतना ही कराना है, और ये पूरा सेमी स्टिच है तो ये लहंगा पूरा तैयार होके मिलता है आपको। साइड से आपको स्टिचिंग करानी होगी, और काफी हैवी लहंगा है, ब्यूटीफुल लहंगा है ब्राइडल के लिए, या फिर आप किसी खास की शादी में इसको पहनना चाहते हैं हैवी लहंगा, तो ये ब्राइडल के लिए भी है और वैसे भी आप इसको किसी की शादी में पहन सकते हैं। ऊपर से इस तरीके से है और नीचे तक ये ऐसे आता है, लहंगे का पूरा लुक कुछ इस तरीके से है। नीचे से ये आपको इस तरीके से पूरा वर्क है लहंगे पर। आई होप अभी आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा जो ये पूरा इस तरीके से नीचे से पूरे लहंगे का लुक है। और इस तरीके से ये आपको पास से दिखा देती हूँ, उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, गोल्डन कलर में है, पिंक कलर में है, लाइट रेड कलर में है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है पूरे लहंगे पर। वेलवेट में है ये लहंगा, 42 इंच की लेंथ है, और कमर से भी ये 42 इंच का है। सेमी स्टिच्ड है, ब्यूटीफुल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है ये लहंगा इस तरीके। और अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं लहंगे पर, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये लहंगे में। और कलर ऑप्शन भी आपको काफी सारे मिलते हैं, मेहरून कलर है, और ये रेड कलर है, और काफी सारे और कलर भी थे इस लहंगे में, गोल्डन कलर भी है। तो कलर के साथ भी काफी ऑप्शन मिलते हैं, और अनस्टिच, फ्री साइज और सेम स्टिच, ये भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं, और काफी अच्छा लुक है इस लहंगे का। मैंने काफी कोशिश की है कि आपको पूरा ये लहंगा दिखाया जाए इस तरीके से। और अब मैं इसकी चोली, इसका ब्लाउज और इसका दुपट्टा आपको दिखा देती हूँ। और ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा, इस तरीके से वेलवेट में रेड कलर में ही इसका ब्लाउज का कपड़ा मिलता है आपको, और इस तरीके से ब्लाउज पर भी वर्क मिलता है। सेमी स्टिच है ये, इसमें ब्लाउज आपको सिलवाना पड़ता है, और इस तरीके का वर्क पूरा ब्लाउज पर मिलता है। ये पूरा वर्क है ब्लाउज पर इस तरीके से, और साथ में बॉर्डर भी मिलता है स्लीव्स के लिए, बैक के लिए। डिजाइनिंग है पूरी, एम्ब्रॉयडरी वर्क है पूरा इस तरीके से। ये बॉर्डर मिलता है इस साइड भी, और इस साइड भी ये बॉर्डर मिलता है आपको ब्लाउज पर। और इस तरीके से ये ब्लाउज का कपड़ा है, इधर से प्लेन है, और इतना आपको प्लेन मिलता है, और इतने पे आपको ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। तो ब्लाउज भी बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है, और वेलवेट कपड़ा है, और 1.25 मीटर है ये ब्लाउज का कपड़ा पूरा जो है, ये 1.25 मीटर है। और इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वर्क है ब्लाउज पर, पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क, गोल्डन कलर में, जैसा लहंगे पर वर्क है इसी तरह का वर्क आपको ब्लाउज पर मिल जाता है इस तरीके से। और ये पूरा वर्क आपको ब्लाउज पर मिलता है, साइड में बॉर्डर भी मिलता है। ये ब्लाउज अभी दुपट्टे के साथ अटैच है, अभी मैंने इसको अलग नहीं किया है। और इस तरीके से है पूरा ये दुपट्टा इसका, दुपट्टे पर भी छोटी छोटी बूटी मिलती है, और दुपट्टे की लेंथ भी बहुत अच्छी है, और दुपट्टे की लेंथ है 2.6 मीटर। और इस तरीके से पूरा चारों तरफ बॉर्डर है, और ये छोटी छोटी बूटी दी है दुपट्टे पर। दुपट्टा इसका थोड़ा ब्राइडल के लिए हल्का है, तो आप अलग से भी दुपट्टा परचेज करके लहंगे को और हैवी लुक दे सकते हो। और इस तरीके से है ये पूरा दुपट्टा, नेट में है दुपट्टा, और इस तरीके से है पूरा दुपट्टा, बॉर्डर मिलता है दुपट्टे पर पूरा। काफी अच्छा लहंगा है, बस इसका दुपट्टा हल्का है, आप अलग से दुपट्टा खरीद सकते हो। और ब्लाउज भी काफी हैवी है, वेलवेट में है ब्लाउज, और सेमी स्टिच में आपको लहंगा सिलकर मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर है। इसका प्राइस है 3705 रूपए, 3705 रूपए, और इस प्राइस पर ब्राइडल लहंगा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और हैवी लुक भी चाहते हैं। आप इसका सिर्फ दुपट्टा चेंज कर सकते हैं, दुपट्टा कोई हैवी आप बाय कर सकते हैं, तो काफी अच्छा एक लुक लगने वाला है, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक ब्राइडल लहंगे में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और लहंगे का कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप कलर और भी कलर आप चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको शॉपिंग करनी है मीशो ऐप से तो नीचे एक कूपन कोड भी मिलता है, उसे ऐड कर आपको 10-20% ऑफ मिल सकता है। और अगर आपने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप वहां से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10-20% ऑफ ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी मैं आपको लहंगे दिखाने वाली हूँ, वो ब्राइडल लहंगे नहीं है बट वो भी वेलवेट लहंगे हैं, थोड़े लाइट वेट में लहंगे हैं और वो भी मीशो पे से ही लिए हैं। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लेकर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, टिल देन बाय।